गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम कक्षा पांचवी विषय हिंदी व्याकरण उपविषय पाठ नंबर 11 भाग 1 पर्यायवाची, जो लेसन नंबर 11 है हिंदी ग्रामर का, उसमें अलग अलग पार्ट बनाए गए पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेक अर्थ, वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है पर्यायवाची। ठीक है, सबसे पहले कि जो पर्यायवाची शब्द होते हैं उनको हम और क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको? समानार्थी शब्द। पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द भी बोल सकते हैं। समानार्थी का मतलब होता है समान अर्थ वाले। समान अर्थ वाले शब्दों को क्या कहते हैं? पर्यायवाची या समानार्थक शब्द। या फिर अपनी फेयर नोटबुक के ऊपर लिखना है, पर्यायवाची राइट करने से पहले लगभग एक समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द भी कहते हैं। फर्स्ट है हमारा अग्नि, आग, पावक, अनल। अग्नि, आग, पावक, अनल। असुर, देवते, रजनीचर, निशाचर। देवते, रजनीचर, निशाचर। आनंद, हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता। हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता। इच्छा, अभिलाषा, कामना, आकांक्षा। अभिलाषा, कामना, आकांक्षा। कठिन, मुश्किल, दुष्कर, दुर्गम। कठिन, मुश्किल, दुष्कर, दुर्गम। उसके बाद है किनारा, कूल, तर, तीर। क्या है उसके बाद? किनारा, कूल, तर, तीर। कृपया, दया, अनुकंपा, अनुग्रह है। गंगा, भागीरथी, सूरसरी, मंदाकिनी। गंगा, भागीरथी, सूरसरी, मंदाकिनी। दुख, शोक, कष्ट, व्यथा। दुख, शोक, कष्ट, व्यथा। देवता, सूर, देव, अमर। देवता, सूर, देव, अमर। 11, पंडित, विद्वान, ज्ञानी, मनीषी। पंडित, विद्वान, ज्ञानी, मनीषी। पत्नी, भार्या, गृहिणी, वामा। भार्या, गृहिणी, वामा। पृथ्वी, भू, धरा, वसुंधरा। पृथ्वी, भू, धरा, वसुंधरा। बिजली, चंचला, चपला, विद्युत। बिजली, चंचला, चपला, विद्युत। मुख, चेहरा, मुखड़ा, वदन। मुख, चेहरा, मुखड़ा, वदन। राजा, नृप, भूपति, नरेश। राजा, नृप, भूपति, नरेश। शत्रु, रिपु, वैरी, विरोधी। शत्रु, रिपु, वैरी, विरोधी। शेर, सिंह, केसरी, व्याघ्र। शेर, सिंह, केसरी, व्याघ्र। सागर, समुद्र, रत्नाकर, जलधि। सागर, समुद्र, रत्नाकर, जलधि। सोना, स्वर्ण, कनक, हेम। सोना, स्वर्ण, कनक, हेम। तो बेटा ये 1 to 20 पर्यायवाची आपने अपनी फेयर नोटबुक के अंदर राइट करना है और फिर इनको क्या करना है? लर्न करना है। और अब करेंगे हम जो इसके फर्स्ट में दिया गया है कि भाई पर्यायवाची शब्द होते क्या हैं, किसे कहते हैं, उनके बारे में अब हम उनको रीड करेंगे। शब्द भंडार। प्रभावशाली बातचीत के लिए शब्द भंडार अति उपयोगी है।
आप जितने प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर सकेंगे उतने ही प्रभावशाली वक्ता माने जाएंगे। इसलिए निरंतर पत्र पत्रिकाएं आदि पढ़ें, इनमें न केवल आपका मनोरंजन होगा बल्कि ज्ञान भी बढ़ेगा। आइए शब्द भंडार के विस्तार हेतु यहाँ कुछ विषय का संक्षिप्त अध्ययन करते हैं। पर्यायवाची, पर्यायवाची का अर्थ है लगभग समान अर्थ वाला, इसलिए पर्यायवाची शब्दों को समानार्थक शब्द भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? पर्यायवाची शब्दों को समानार्थक शब्द भी कहा जाता है। जरा विचार कीजिए, पर्यायवाची शब्द कैसे बने होंगे? कोई शब्द संस्कृत का है, जैसे अग्नि, हिंदी में इसका रूप आग हो गया, अब ये पर्यायवाची बन गया। जब एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतर हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? फिर पर्यायवाची बन जाता है। इसी प्रकार अन्य भाषाओं के भी कुछ शब्द पर्यायवाची बन जाते हैं। नीचे एक उदाहरण पढ़िए। लो, यह जल ठंडा है, नहाने का पानी गर्म है, गर्म हो गया है क्या? स्वामी जी नीर ग्रहण कीजिए। उपयुक्त वाक्यों के रंगीन शब्द एक ही वस्तु के लिए प्रयोग किए गए हैं, यही पर्यायवाची शब्द है। अर्थात लगभग समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहते हैं। विशेष, ध्यान रखें, पर्यायवाची शब्दों के अर्थ लगभग समान होते हैं लेकिन पूरी तरह समान नहीं। इनमें सूक्ष्म अंतर होता है, सूक्ष्म होता है थोड़ा बहुत अंतर होता है। जैसे शुद्ध पानी को जल कहते हैं, साधारण पानी को पानी कहते हैं, जबकि छाने हुए पानी को नीर कहा जाता है। गंदे पानी के लिए भी जल या नीर शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो बेटा, ये है आपकी पर्यायवाची 1 to 20, आपने राइट करने हैं अपनी फेयर नोटबुक के अंदर, इनको लर्न करना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा।